हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साइदर। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टंकी कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि एक होता है 1000 लीटर टंकी, दूसरा होता है 500 लीटर टंकी। तो जैसे अगर कोई क्लाइंट बोल दे कि आपको हम मुझे मतलब बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें 500 लीटर टंकी होते हैं, तो बाद में जो लोग होते हैं जैसे घर बनाते हैं तो उसमें 1000 लीटर टंकी जो होता है उसको भी वो लोग ले लेते हैं, और बाद में जब एक टंकी जो बच जाता है वो होता है 500 लीटर टंकी, दूसरा होता है 1000 लीटर टंकी। तो आपको किस तरह से ये दोनों टंकी को कनेक्शन करना चाहिए ताकि बाद में जो पानी हो वो अच्छे से दोनों में बराबर आउटलेट हो और बराबर बराबर इनलेट पानी हो दोनों में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बराबर टाइप के वाटर टैंक के बारे में। दोस्तों, ये जो टंकी दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों बराबर टाइप की टंकी है, और ये टंकी है 1000 लीटर टंकी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ये 1000 लीटर टंकी है और दूसरा यह है, ये भी 1000 लीटर टंकी है। तो इसका कनेक्शन किस तरह से होता है मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं छोटे और बड़े टंकी का कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जो उसका इनलेट होता है, टंकी का इनलेट होता है, वो दोनों में से किसी टैंक में दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और जो उसका कनेक्शन होता है, टैंक कनेक्शन होता है, वो नीचे से हो जाता है बराबर टाइप के वाटर टैंक में, और बीच में यहाँ पर यूनियन लगाया जाता है। तो ये मैं यूनियन बना देता हूँ। तो ये कनेक्शन हो गया, टैंक कनेक्शन हो गया, और जो इसका आउटलेट होता है ये 1000 लीटर टंकी, किसी टंकी दोनों में से टंकी से आप दे सकते हैं। इसका आउटलेट हम दे दिए और इसका ओवर फ्लो दोनों में से किसी टंकी में आप दे सकते हैं। ये दोनों टंकी में जब पानी भरता है तो बराबर दोनों पानी भरता है, और खाली भी होता है तो दोनों में बराबर ही खाली होता है। अब मैं आपको दूसरे छोटे और बड़े टैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 500 लीटर टंकी है और ये 1000 लीटर टंकी है। तो इसका कनेक्शन बहुत से लोग नहीं जानते किस तरह से कनेक्शन होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से कनेक्शन कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो दोनों ये 1000, ये 500 लीटर टंकी है, दोनों का टंकी में कनेक्शन आपको बता दे रहा हूँ। तो उसका जो कनेक्शन होता है, इसका भी कनेक्शन नीचे से होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लगाना पड़ता है। तो उसका कनेक्शन मैं बताता हूँ, तो ये इसका कनेक्शन होता है, ये नीचे, इसका भी कनेक्शन नीचे से होता है, ये डायरेक्ट यहाँ टंकी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे NRB लगता है, NRV। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न बल्ब, इसका फुल फॉर्म होता है NRV, और इसको नॉन रिटर्न बल्ब बोलते हैं। और नॉन रिटर्न बल्ब में जब पानी होता है एक साइड से आता है एक साइड से नहीं आता है, तो उसका जो लगाने का तरीका होता है, यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ जिसमें एरो बना हुआ रहता है, जिस तरफ एरो रहता है उसी तरफ में पानी जाता है। तो NRV जब लगाइए तो इस टाइप में एरो आप रखिए, अगर आप टंकी कनेक्शन करना चाहते हैं 1000 और 500 लीटर टंकी, तो इस तरह से लगा कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद आते हैं मोटर इनलेट के बारे में, जब पानी कैसे इनलेट होगा टंकी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो पानी जो भरा जाता है यहाँ पर, यह टंकी का इनलेट हो गया, ये मतलब आप मोटर कनेक्शन बोल सकते हैं। जो मोटर का पानी आता है टंकी में, वो यहाँ पर सबसे पहले 1000 लीटर टंकी है उसी में हम लोग देते हैं। यहाँ पर मैं इनलेट लिख देता हूँ, तो इनलेट ये हो गया। अब दूसरी बारी आता है इसका पानी जाने के लिए, तो इसका जो पानी जाने के लिए हम 1000 लीटर टंकी जो होता है उसका ऊपर से हम ही कनेक्शन करते हैं। तो उसका ऊपर से छेद करके, जो 1000 लीटर टंकी है उसी से ऊपर छेद करके नीचे हम 500 लीटर जो टंकी है उसे में हम डाल देते हैं। जब ये टंकी भरेगा तो उसके बाद में यहाँ पे पानी आने लगेगा, इसलिए इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो इसका कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ लगाया जाता है, 1000 या 500 लीटर टंकी में। इसे कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब पानी फुल हो जाएगा तो उसके बाद ओवरफ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे एक सामान फिटिंग लगाया जाता है। यहाँ पे बॉल कॉक जो फिटिंग होता है, आप लोग जानते ही होंगे बॉल कॉक, जिसे फ्लोट बल्ब भी हम बोलते हैं। बॉल कॉक जो होता है, पानी भरने के बाद में पानी को लॉक कर देता है। तो यहाँ पे बॉल कॉक लगाना पड़ता है, 500 लीटर जो टंकी है उसमें बॉल कॉक लगाना पड़ता है। उसके बाद जो पानी का आउटलेट होता है, पानी का आउटलेट 1000 लीटर टंकी है उसी से हम करते हैं। तो यहाँ पे हम पानी का आउटलेट कर दिए, तो यहाँ जो 1000 लीटर टंकी उसी से हम आउटलेट देते हैं। यहाँ पे मैं आउटलेट लिख देता हूँ। तो उसके बाद बारी आता है हमारा ओवरफ्लो का, ओवरफ्लो का पाइप हम 1000 लीटर जो टंकी है उसी से देना पड़ता है। जब पानी फुल हो जाता है तो उसके बाद में हम
1000 की टंकी उसी से ओवरफ्लो हम दे सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो गया है, यहाँ पे इनलेट है और ये जब पानी यहाँ पर फुल टंकी फुल हो जाएगा उसके बाद में यहाँ का पानी जो होगा यहाँ पे फुल होने के बाद ये 500 लीटर टंकी में यहाँ पे भर जाएगा। ये भरने के बाद यहाँ पे बॉल को लाया जाएगा, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये ओवरफ्लो है और ये एन आर भी है और यहाँ पर आउटलेट है और ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का पाइप आप जो पाइपलाइन जो गया है यहाँ पे जो पाइपलाइन गया है इसे थोड़ा आपको ऊपर रखना है ओवरफ्लो का पाइप। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आउटलेट हुआ इसका पाइप को आप थोड़ा उससे ऊपर रखना है, पहले जो ओवरफ्लो ना हो इसलिए ऊपर रखना है। तो इसको रख सकते इस तरह से और यहाँ पर ये आउटलेट हो गया टंकी में पानी भरने के लिए और ये इसको थोड़ा ऊपर आप कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपका कनेक्शन टंकी कनेक्शन छोटे और बड़े टंकी कनेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओवरफ्लो लिख देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका दूसरे तरीके से किस तरह से इसका कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये दोनों टंकी कनेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 500 लीटर टंकी है, ये 1000 लीटर टंकी है, 1000 लीटर टंकी है, ये 500 लीटर टंकी है। तो इसमें ये टंकी जो है ये 1000 लीटर टंकी के ऊपर में ये बराबर में ओवर में आ गया और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप यहाँ पे रखा हुआ स्टैंड रखा हुआ है। आप अगर इस तरह से करना है तो इसमें आप स्टैंड नीचे रख सकते हैं और चाहे ईंट भी रख सकते हैं आप और इसके ऊपर में बराबर में कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसका कनेक्शन यहाँ से जो टंकी का आउटलेट होता है इससे दोनों का आउटलेट से इससे कनेक्शन कर देना है, दोनों के नीचे टंकी के नीचे जो होता है इससे कनेक्शन कर देना है। और जो इसका पानी का इनलेट होगा ये 1000 लीटर टंकी से होगा, जो इसका मोटर कनेक्शन होगा वो 1000 लीटर टंकी जो होगा उसी से होगा और उसका आउटलेट होगा इस टंकी से जो 1000 लीटर टंकी है उसी से आउटलेट होगा, इससे आउटलेट होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, फिर इसका जो कनेक्शन होगा पानी यहाँ पे जाने के लिए पानी इससे भी चल जाएगा लेकिन यहाँ से भी आप एक पाइप का कनेक्शन आप अलग से भी दे सकते हैं यहाँ से दे सकते हैं। और इसमें NRV नहीं लगता है, बिना NRV का जो नॉन न्यूट्रल बल्ब होता है यहाँ आपको नॉन न्यूट्रल बल्ब के बिना ही यहाँ पे आपका जब ये टंकी जो ऊपर हो जाएगा इसमें नॉन न्यूट्रल जो बल्ब लगता है वो आप नहीं भी लगाइएगा तो चल जाएगा। ये बराबर होने के बाद यहाँ से ओवरफ्लो जब ये टंकी भरेगा तो दोनों बराबर टंकी भरेगा, उसके बाद ओवरफ्लो आप इसमें भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं। अच्छा हुआ आप जो 500 लीटर टंकी जो है इसी से ओवरफ्लो दे दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 1000 लीटर जो टंकी है उससे भी ओवरफ्लो आप दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये इनलेट है, ये आउटलेट है और ये कनेक्शन हो गया टंकी का, यहाँ पर पानी जाने के लिए कनेक्शन है और जो ओवरफ्लो इसका यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो हमारे वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।